नमस्कार। किशोर कुमार रजक जो भी बातें बोलते हैं वो सारी बातें तो एक नंबर की झूठी होती है। पहला तो वो ये जो पेपर में छपवाए थे कि मैं मजदूर ईंट भट्टे में काम करके और मजदूरी करके बना DSP, तो सबसे बड़ी बात बता दूं कि वो ईंट भट्टे में कभी काम नहीं किए हैं और 2005 से लेकर 2015 तक वो दिल्ली में रहे हैं। तो ईंट भट्टे में काम करके वो अफसर कब बन गए? दिल्ली में ईंट भट्टा कहाँ है भैया जहाँ वो काम कर रहे थे? तो उनकी बातों पे आप लोग मत आइए कि वो क्या कहते हैं। वो किसी भी हद तक विकी बैठे बेटा, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वो एक नंबर के गिरे हुए झूठे और मक्कार आदमी हैं, अय्याश हैं, और जो वो बता रहे हैं, अरे मेहता मुरली अपनी जो वो है ना, अपनी बहन को भेजो ना किशोर के पास, वो अच्छे से उसका देखभाल करेगा। कोयले से काला कमाई कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। जब वो चंपा को रख सकता है तो तुम्हारी बहन की क्या औकात है, उसको भी रख लेगा, ठीक है? और तुम लोगों को इसी तरह जवाब देना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग हो एक नंबर के बकवास आदमी, ठीक है? सर, खुद किशोर कुमार रजक लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीद करके और अपने भाइयों के नाम दे रहा है, काली कमाई किया है खूब सारा, अपना बोकारो में जाकर के उसका घर देखिए बनवाया है, ठीक है? वहां जाके देख लीजिए, उसका घर पूरा 60-70 लाख रुपया दे करके बनाया है। यहाँ रामगढ़ के अलग अलग उससे उसके रिश्तेदारों के अकाउंट में लाखों रुपया ट्रांजेक्शन हुआ है, कैश जमा किया गया है, ठीक है? तो जो मैं बता रही हूँ उसको सुना कीजिए। मेरी तुम्हारी बहन नहीं है तो अपनी माँ को भेज दो, वो भी दे देगी, समझे? मैं तो बोलूँ तुम्हारी माँ को भी वो रख सकता है, उसकी इतनी औकात है। माँ, बहन, बेटी जो भी है उसको भेज दो, और अगर बकवास करोगे तो उठा के ब्लॉक कर दो, समझ में आए? वो काला कमाई खूब कोयला से कर रहा है और हमको झूठ मूठ का बदनाम कर रहा है। हमको और बच्चा को कभी देखता नहीं है, पैसा तक नहीं देता था, घर का खर्चा तक नहीं देखता था। कुक तक की रिकॉर्डिंग मैंने डाली है। और तुम लोग अगर अंधभक्ति करोगे ना, जैसे आसाराम बापू थे उसके कितने अंधभक्त थे, औरतें भी बहुत अंधभक्त थी, तो उसी तरह किशोर कुमार रजक के भी लोग अंधभक्त हैं। उसकी एक रिकॉर्डिंग डालूंगी, उसकी चाचा की ही बात की रिकॉर्डिंग है जिसमें उसको चाचा खुद कह रहा है कि उसके बाप की सैलरी 65,000+ थी। तो जिसके बाप की सैलरी 2009 में 65,000+ थी और रिटायरमेंट के समय 25 से 30 लाख रुपया मिला था, वो गरीब कहाँ से हो गया? तो उसकी बातों पर पहले तथ्य देखो, ठीक है? बच्चा को ध्यान दीजिए मैडम। किशोर कुमार रजक क्या कर रहे हैं, अनिल कुमार पंडित बच्चा को ध्यान दे रहे? बच्चा को ध्यान कौन तुम्हारी बहन आके दे रही है क्या कि मैं ध्यान दे रही हूँ? हाँ, तुम्हारी बहन अनिल कुमार पंडित मेरे बच्चे को नहीं ना देख रही है कि किशोर कुमार रजक की कोई रखेल या उसकी माँ या उसका परिवार आके मेरा बच्चा देख ले रहा है या पाल दे रहा है या किशोर कुमार रजक पाल दे रहा है? खाली बड़ी बड़ी बातें लिखता है, वसीयत बना दिए, खाने तक का बच्चे को खर्चा नहीं देता है, हाँ, पत्नी को दर दर भटकाता है उस मक्कार आदमी को। मतलब वो तो सबसे बड़ा अदालत वो ऊपर ईश्वर का अदालत है, वहां तो एक रो रो के बुढ़ापा उसका इतना खराब बीतेगा ना कि यही बेटा उसको जूता मारेगा उठा के। हाँ, उसको इतना नहीं पता है कि उसके घर वाले लोग मेरा पैसा लूट लिया, मेरा पूरा वो क्या कहते हैं सामान लूट लिया, सब कुछ लूट लिया, फोन लूट लिया, उसका बच्चा को कौन देख रहा है? और उसका बच्चा है भी नहीं, वो बोलता है कि बिना संबंध बने तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई, ठीक है? यही सबसे स्पष्ट हो गया कि आप एक महिला को, हाँ बिल्कुल, यही सबसे ये स्पष्ट हो गया कि तुम जैसे मेहता मुरली जैसे जो लोग हैं जो महिलाओं को शर्मसार करते हैं, तुम्हारी बहन बहन है और मैं किसी की बहन नहीं हूँ क्या? हाँ, तुम्हारी माँ माँ है, मैं किसी की माँ, मैं विक्की की माँ नहीं हूँ क्या कि तुम्हारी बहन विक्की को पैदा की है? बताओ, तो बोलने से पहले समझा करो, अंधभक्ति मत करो। जातिवाद करते हुए जो जाति वो बोल दिया, भीम आर्मी को स्पॉन्सर करता है वो, जातिवाद करते हुए उसके पीछे दौड़ना बंद करो। पहले सच और सही और गलत देखो, उसके बाद बोलना शुरू करो। क्या बोल रहा है उस पर मत जाओ, वो बहुत कुछ बोलता है। महिला का अपमान नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों को सबक सिखा रही हूँ मैं। तुम जैसे लोग एक नंबर के हरामखोर, और तुम ही जैसे लोग हो जिनकी बहनें जाकर के दूसरी शादीशुदा औरतों का घर बर्बाद करती हैं। तुम्हारी जैसे वो चंपा का जो भाई है बलदेव, वो यही ना कर रहा है अपनी बहन के शरीर का इस्तेमाल करके और उसका पैसा खा रहा है, वो उसको भी रख रखा है वहां पे लालपुर में और इसको भी रख रखा है लालपुर में।
सिस्टर है तो सिस्टर की तरह देखो, ठीक है? सिस्टर बोल देने से नहीं होता। किशोर कुमार रजक बोल देता है कि मैं जो हूँ, क्या कहता हूँ, मैं बहुत चिंताजनक स्थिति में हूँ। क्या चिंताजनक स्थिति में? आवास में रह रहा है, करोड़ों रुपया कोयला और ईंट भट्टे की कमाई से खा रहा है, लाखों रुपए की उसकी पर डे की इनकम, 4 लाख रुपया पर डे कमाता है वो। हमसे ज्यादा जानते हो तुम कितना कमाता है? तुम लोगों से ज्यादा मैं जानती हूँ, ठीक है? 4 लाख 5 लाख पर डे की उसकी इनकम है। अय्याशी कर रहा है, रोज रात में लड़कियां बदलता है, सर्किट हाउस चला जाता है, लड़कियां लेता है, उसका ड्राइवर उसको लड़की देता है, अय्याशी कर रहा है वो। और ठोकर तो उसका बेटा और उसकी पत्नी खा रही है ना, उसको पता है पत्नी क्या होती है, वो क्या जाने बेटा क्या होता है। इतना दिन में हमको एक दिन मैसेज किया तो बोलता है कि मेरा लाल बैग तुम्हारे पास है। वो ये नहीं बोला उस मैसेज में कि मेरा बेटा कैसा है। वर्षा, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, तुम कैसे चल रही होगी, बेटा को दूध कैसे पिला रही होगी? तो मेरे घर वाले मेरा खर्चा उठा रहे हैं, मेरा भाई मेरा खर्चा उठा रहा है, मेरे घर वाले मुझे पैसा दे रहे हैं खर्च उठाने के लिए, अपने बच्चे तक का दूध का खर्चा देने की जिसकी औकात नहीं है। अपने बेटा को और पत्नी को रोड पे लाके खड़ा कर दिया, वो क्या बनता है? अपने आप को बहुत बड़ा वो परमात्मा समझ रहा है? अब बोलता है मैं गरीबी गरीबी, SDPO रामगढ़ गरीब है जी, हाँ SDPO रामगढ़ गरीब है, DSP तुम लोग साले अंधभक्त हो, तुम लोग एक नंबर के, तुम लोग अंधभक्त हो। अंधभक्ति का हद होता है भाई, इतना अंधभक्त मत करो। SDPO रामगढ़ करोड़ों की कमाई कर रहा है, उसकी कम से कम 2 करोड़ रुपया सालाना इनकम होगी, ज्यादा ही होगी, मैं तो कम बता रही हूँ। जो इंसान अपनी बीवी बच्चा को रोड पे ला दिया रखेल के कारण, तुम लोग किशोर कुमार रजक सही है, किशोर कुमार रजक की भक्त, वो तुम्हारी बीवी को रक्षा कर देगा कि तुम्हारी बहन की रक्षा कर देगा? किसकी रक्षा कर देगा? कि तुम लोगों को पैसा दे देगा, खिला देगा? खाली DSP है इसीलिए, जिस दिन जेल जाएगा उस दिन, अभी तो उसको जेल जाने से हम बचाए थे। 22 जनवरी को आके पैर पकड़ के माफी मांगा, रोया सबके सामने, पतरातू SDPO भी वहां मौजूद थे, सबके सामने रोया, कल्याणी शरण मैडम के सामने भी, कि हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गया वर्षा, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, मुझे जेल जाने से बचा लो। दूसरे की बहन बेटी को लाओगे, इज्जत से नहीं रखोगे? और उसकी माँ पूरी तैयारी कर रखी थी शादी करने का, उसका दूसरा, उसका भाई रोज बोलता था तलाक दे दो तलाक दे दो, रोज की रिकॉर्डिंग मैं डाली हूँ कि खर्चा नहीं दे रहा, उसकी रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ, बच्चे का खर्चा नहीं दे रहा उसकी रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ, DGP को कंप्लेन लिख रही हूँ, SP को बोल रही हूँ, वहाँ सांसद प्रतिनिधि को बोली हूँ, किसको किसको बोलूंगी मैं? और डाल रही हूँ सबूत, उसके बाद भी तुम लोग अंधे बने हुए हो, अंधभक्ति कर रहे हो। हम लोग चल रहे हैं ऑटो से, अब वो चल रहा है उससे, क्या कहते हैं, वो चल रहा है 5 फॉर्च्यूनर खरीदने की उसकी औकात है, पता है? गाड़ी खरीद रहा है अपने भाइयों के नाम से, वो भी बता रहे हैं कैसे, किसी और के नाम से खरीद रहा है गाड़ी और अपने भाई के नाम से ट्रांसफर कर देगा कम पैसा में, दिखा देगा कि 6 महीना गाड़ी चली है और हम आधे दाम पे गाड़ी खरीदे हैं। और जमीन 80 डिसमिल बोकारो में जमीन, समझे? और जमीन की कीमत है 4 करोड़ रुपया और उस जमीन को लिखवा लेगा 15 लाख रुपया में, समझे? अब समझो, अब बाकी का जो 15 लाख के अलावा जो मनी देगा वो देगा कैश में। तुम लोगों को आता पता तो कुछ है नहीं, जानते तो हो नहीं, एडिडास का जूता 5-5, 6-6 तो पहनता है, ठीक है? 20-20 हजार रुपए का बिग शॉप से शॉपिंग करता है, और बच्चे का 4 कपड़ा मैं खरीद लेती हूँ तो कहता है बहुत महंगा खरीद ली। और अब बिल दिखाऊंगी मैं आपको, 40-40 हजार का बिल है मेरे पास, 40-40 हजार की शॉपिंग करता है अपनी बिग शॉप से, ठीक है? और इतना महंगा महंगा कपड़ा पहनता है, और आईफोन इस्तेमाल करता है, 1.5-2 लाख का आईफोन है उसका, ठीक है? टैब जो इस्तेमाल करता है उसकी कीमत 2 लाख रुपया है, लैपटॉप की कीमत 2 लाख रुपया, सब एप्पल से नीचे बात नहीं करता है, एप्पल का वॉच इस्तेमाल करता है, बताओ कहाँ से गरीब है वो? हाँ, रामगढ़ में लोग क्यों आता है? पैसा कमाने के लिए आता है ना, कि क्या करने आता है? अगर इतना ईमानदार है तो जाए बोल दे कि हमको संटिंग में डाल दो, रहे संटिंग में 10 साल, हिम्मत है उसकी? इतना वो अगर सही आदमी है तो जाए जाकर के वो करे, कितना काला कमाई करता है किसी को नहीं पता है, खुद पता क्या होगा? आदमी को खुद कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो जैसे रामगढ़ जैसे SDPO के पोस्ट पर है, मेहनत करके आगे बढ़े हैं, क्या मेहनत किए हैं? 2005 से लेकर 15 तक दिल्ली में बैठ के 10 साल पढ़ रहे थे आराम से, ठीक है? क्या मेहनत कर रहे थे वो, कौन सी मेहनत किए हैं वो?
2005 से लेके 2000 उनकी पढ़ाई हुई है हाई स्कूल चास से, चास में रहे हैं वो किराए का मकान लेके। उनके बाप की सैलरी 2008 में जब कितनी थी, 65,000 थी, 60,000 प्लस थी। जाओ जाके मांगो, बोलो कि अगर आप इतने सही हैं तो अपने पिताजी की सैलरी सार्वजनिक करिए, सार्वजनिक करिए अपने पिताजी की सैलरी। और ये भी 2009 में इनको रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिला, जिसके पिताजी की सैलरी 60,000 प्लस है 2008-09 में, तो वो गरीब है। खाली सब गरीब का दिखावा करते हैं। 7 से 8 एकड़ जमीन है इन लोगों के पास, 7 से 8 एकड़ जमीन कम होती है, खाली गरीबी का दिखावा। एक ठो कमरा ही सब बना लेंगे जहाँ पे चारपाई बिछा देंगे और फोटो खींच के दिखाएंगे। जाओ उसके घर जाके मारो ना, छापा मार के देखो ना, पता चल जाएगा। अभी पूरा 60-70 लाख रुपया देके टाइल्स वाइल्स लगवा के पूरा घर बनवाया, पूरा बाहर तक टाइल्स लगवाया है। पति हमारा, वो पति है ही नहीं, वो पति है ना पिता है, ना तो पति का कर्तव्य निभाया ना पिता का। वो रखेलों को बस खाली रखने का। और चंपा चमेली पूछती हैं लोगों से कि रांची का कौन सा बेस्ट पार्लर है, मुझे अपना मेकओवर कराना है। जैसी गंदी दिखती है जिंदगी भर वैसी ही गंदी रहेगी। किशोर कुमार रजक के पैसे पे ऐश कर रही है, इन सबों का क्या है। किशोर कुमार रजक की सच्चाई तो हम बताते हैं आपको। अपनी भतीजी मंजू के साथ सोता था, रंगे हाथ पकड़ा गया था, पूरा रामगढ़ थाना जानता है। रंगे हाथ पकड़ा गया था, रंगे हाथ उसको हम पकड़े थे। उसकी भतीजी मेरे एज की थी, मेरे एज की है, 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, एबॉर्शन कराई है और जा करके उसका एक लड़के से, चपरासी से शादी कर दिया है। सर हम जानते हैं ना, तुम लोग क्या जानोगे सच्चाई। उसकी वाइफ हम है, हम जानते हैं एक एक बात। तुम जानोगे, उसके साथ रह रहे हो तुम लोग, जो जानोगे उसकी सच्चाई। उसके जितना झूठा मक्कार गिरा हुआ गंदा आदमी तो दुनिया में नहीं हो इतना। जो लोग उसको जानते हैं ना, वो लोग जानते हैं कि वो झूठा है। उसके साथ रहने वाले लोग जानते हैं उसको कि एक नंबर का झूठा आदमी है वो। और झूठी के दम पे वो हारेगा, कितना भी हमको बदनाम कर दे। सच्चाई छुप नहीं सकती लाख छुपाने से, हाँ, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कागज के फूल से खुशबू नहीं आती है, समझे। सच जो है वो आज नहीं तो कल सबको पता चलेगा। और उसको क्या लगता है कि हम हार जाएंगे उससे, हम अकेले ही पर्याप्त हैं, ठीक है, क्योंकि हम सही हैं। मरते दम तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और सजा जरूर दिलाएंगे। और चाहे उसके लिए हमको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, उसका सच लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। आसाराम बापू अपने आप को क्या बोलता था कि मैं बहुत सही आदमी हूँ। आसाराम बापू के कितने भक्त थे, जब उसको लड़की के साथ गलत किया, अरेस्ट हुआ, तो पूरा महिलाएं सब रोड पे गिर गई थी कि मेरे आसाराम, मेरे बापू, मेरे बापू। तो ये आसाराम 2 है। उनका पीछा छोड़िए, आप वकील हो, वकालत करिए, हम क्यों उसके पीछे पड़ेंगे। वो कौन है पीछे पड़ने वाला, उस वो है क्या, एक तो अदना सा DSP है और कुछ नहीं है, समझे। बिक्की को पढ़ाने लिखाने की औकात है हमारी, पढ़ा लेंगे। किशोर कुमार रजक की तरह रखेलों को नहीं रख के पैसा खर्चा करते हैं, झूठ मूठ का फेसबुक पे। मेरा सब कुछ मेरे बेटे का है, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे बेटे का है। बेटे को पैसा नहीं देता था, खूटी SP सर को हम लिखित दिए कि सर खर्चा नहीं दे रहा, तब वो लिखित किया कि मैं अपनी पत्नी को 10,000 रुपया महीना दूंगा खर्चा। उसके बाद भी रोज झिकझिक करता था, बच्चा को स्कूल का एडमिशन का पैसा नहीं, LIC का पैसा नहीं। रोज हमको SP DSP DGP को बोलना पड़ता है कि सर खर्चा नहीं दे रहा। कितना गिरा हुआ आदमी है वो। अरे तो मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई लोग नहीं है क्या, हाँ, मेरे उसकी औकात से ज़्यादा अच्छी मेरे भाई लोगों की औकात है। कम कमाते हैं लेकिन उसके घर वालों से मेरे भाई लोगों की ज़्यादा अच्छी औकात है। इतना औकात है कि बच्चा को पढ़ा लिखा लेंगे हम लोग, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो क्या चाहता है, वो चाहता है किशोर कुमार रजक कि मैं बच्चे को किसी भी प्रकार से ले लूं, और लेने के बाद बच्चे को बीमार हो जाएगा, बच्चा कह दूंगा कि बीमार था मर गया, अब फिर उसके बाद चुपचाप से दूसरी शादी करके उसका भाई लोग करोड़ों वसूल लेगा, तो वो ये भूल जाएगा। मेरे बच्चे को ना उसका भाई का भी और उस किसी का औकात नहीं है जो मेरे बच्चे को अब छू पाएगा, समझे। उसके और उसके भाई की, उसके खानदान की किसी की औकात नहीं है कि मेरे बच्चे को छू के, और उसको हिम्मत नहीं है कि छू के उसको वो कर देगा। और उसकी माँ जो बहुत बड़ी, और क्या कहता, मेरी माँ बोली थी कि बच्चा पैदा हो जाएगा तो वर्षा सुधर जाएगी, मर गई थी उसकी माँ 9 महीने की प्रेगनेंसी में, कभी पूछने नहीं आई, डिलीवरी दूसरे के घर में मैं कराई, क्या है उसकी माँ, हाँ, बोलती थी कि अभी बच्चा क्यों कर रही हो वर्षा, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए।
एक नंबर की झूठी और मक्कारी नागिन औरत है वो। डस ली पूरा मेरा खानदान, और मेरा पति एक नंबर का बदमाश आदमी अय्याश है, जो कि पूरा अपनी पत्नी और बच्चे को आग लगा के खत्म कर दिया। शादी शादी से पहले पता था क्या कि ऐसा ऐसा है? उससे कोई शादी करता? कौन करेगा उससे शादी? और हम इतने ही गलत थे तो काहे नहीं तलाक दे दिया हमको? दे देता तलाक, क्यों आया था 22 जनवरी को माफी मांगने? वर्षा माफ कर दो, हमसे गलती हो गया, दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। मगर मच्छी आंसू बहाता है, झूठा मक्कार, उसको अब माफ करेंगे हम, उसको अब हम माफ करेंगे तो हम दुनिया के सबसे बेकार इंसान होंगे। कोई माफी उसको हम नहीं देंगे, सबसे बड़ी मेरी गलती है, उसके हर गलती पर उसको माफ किए हैं। तुमको पता है मंटू सिंह कि हम लाइव आकर के झूठा वीडियो बना रहे हैं? हाँ, और किशोर कुमार रजक सच्चा बना रहा है कि तुम्हारी बहन को पैसा पहुंचाया है। हमको तो लग रहा है कि तुम्हारी बहन उसके साथ सोती और वो तुम उसको पैसा पहुंचा, वो तुमको पैसा पहुंचा रहा है, क्योंकि वो यही कर ही रहा है आजकल, सबकी बहनों को पैसा पहुंचा रहा है। दूसरे की बहन को बोलने से पहले पहले अपनी बहन के बारे में सोचो, समझे मंटू सिंह? ब्लॉक कर दूंगी उठा के तुमको। तुम जैसे हरामखोर और अंधभक्तों को मुझे रखने की जरूरत नहीं है, जो समाज के नाम पे कलंक है। भगवान करे तेरी बहन बेटी माँ के साथ वही हो जो मेरे साथ हो रहा है। कोई आवेश में नहीं आ रही हूँ मैं, बस यही बता रही हूँ कि किशोर कुमार रजक वो तो किया है तलाक का, है नहीं कर, वो कर लेता है तलाक, ले लेता है, ले ले इतना जो वो हमको गलत सलत बता रहा था कि मैं गलत थी तो तलाक दाखिल किया था, वापस का है ले लिया केस, क्योंकि वो खुद गलत, वो एक नंबर का गलत आदमी है। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है, अभी उसको चंपा चमेली गेंदा गुलाब सब वही समझ में आ रही है, बाद में बुढ़ापे में समझ में आएगा। 10 साल बाद जब बूढ़ा हो जाएगा ना, तब उसको समझ में आएगा कि बेटा क्या होता है। और ना ही भाई का बेटा उसको आग लगाने आएगा, आग यही विक्की लगाएगा उसको, तभी वो तरेगा। अब पानी एक गिलास बुढ़ापे में हम ही देंगे, न कि उसकी वो सुमन और कल्याणी देंगी, न उसकी कोई रखेल देगी।